नमस्कार गुड इवनिंग सभी लोगों को एलन एस केस यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है तो जैसा कि आपको पता ही है कि आरएस मेंस के लिए यहां पर एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है मंथन और मंथन सीरीज में आप अपने आरएस मेंस की एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक एक टीचर जो है वो आपके सामने क्वेश्चन लेकर आ रहा है और उसका सोल्यूशन भी आपको बेहतर तरीके से करवा रहा है तो एक बार जुड़ जाइए फटाफट से सब लोग और फिर हम बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की बहुत इजी क्वेश्चंस हैं मैदानी भाग से हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं और जो आगे आने वाली एग्जाम में पूछे जाएंगे उस तरह से हम यहाँ पर क्वेश्चन आपको लेकर आएँ तो देखिए आज के टॉप तो क्वेश्चन जो रहेंगे उसमें आप देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है पेनी प्लेन क्या है पेनी प्लेन तो बताइए आंसर करके जल्दी से पेनी प्लेन का ये शब्द कभी आप लोगों ने सुना है पेनी प्लेन को ध्यान रखना हिंदी में संप्राय मैदान भी कहा जाता है हैदान मैदान तो देखिए सामान्यतः नदी का अपर्दन चक्र जो होता है तो नदी अपने अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था में जैसे ये मान लेते हैं नदी का एक अपर्दन चक्र है नदी लगातार उच्चावच को पर्वत या पठार है उसको निरंतर काटती रहती है तो नदी के अपर्दन चक्र की स्थिति को अगर देखें तो मान लेते हैं कि पहले कोई यहाँ से मान लेते हैं इस तरह से उच्चावच हुआ करता था नदी ने इसको अपर्दित कर दिया ये यहाँ तक आ गया फिर इसको अपर्दित कर दिया इस तरह से तो ये पूरा मैदान में कन्वर्ट हो जाता है इसी बीच में यत्र तत्र कुछ कठोर चट्टानों के टुकड़े हैं जो अपर्दित नहीं हो पाते इस मैदानी भाग में कुछ चट्टानों के टुकड़े बीच बीच में जो कठोर ग्रेनाइट से बने होते हैं ऐसे चट्टानों के टुकड़े जो अपर्दित नहीं हो पाए या बहुत धीमी गति से अपर्धित तो हुए ठोस होने के कारण इनको मोनेडनोक्स कहा जाता है इनको मोनेड नॉक्स मोनेड नॉक्स ठीक है तो सिंपल सा ये तो मैंने बताया कि, कि ये क्या है किस तरह से तो सिंपल से आप पंद्रह शब्दों में पूछा गया तो आप लिख सकते हैं कि नदी के अपर्दन चक्र की अवस्था में उच्च स्थल खंड जो है वो अपर्दन के द्वारा समतल मैदान में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसी को संप्राय मैदान या, या पेनी प्लेन कहा जाता है तो इसको इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं नदियां पेनी प्लेन या समप्राय मैदान समप्राय मैदान तो नदियां अपने अपर्दन चक्र की अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था में अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था में उच्च स्थल खंडों को काटकर उच्च स्थल खंडों को काटकर अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती है अपने आधार तल को आधार तल को प्राप्त कर लेती हैं अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती हैं, इस तरह से निर्मित इस तरह से निर्मित मैदान को पेनी प्लेन या सम प्राय मैदान कहते हैं सम प्राय मैदान कहते हैं तो पंद्रह शब्दों में इतना काफी है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं नेक्स्ट है कास्ट मैदान किसे कहते हैं कास्ट मैदान देखिए कास्ट मैदान या कास्ट स्थलाकृति की अगर बात करते हैं तो इनको चूनेदार मैदान भी कहा जाता है इनको क्या बोलते हैं चूनेदार मैदान अब जहां पर चूने पत्थर की चट्टाने होती हैं वहां पर जैसे मान लेते हैं भूगर्भिक जल जो है यहां से मान लेते हैं भूगर्भिक जल यहाँ एंटर कर जाता है और भूगर्भिक जल के यहाँ से प्रवेश करने से यहाँ से ये यह अंदर की तरफ चट्टानों को लगातार घोलता रहता है चट्टानों को लगातार काट देता है तो इस तरह से जो मैदान बन जाता है ये भूगर्भिक जल के द्वारा बनता है ऐसे तो मैदान को हम बोल देते हैं कास्ट मैदान या चूनेदार मैदान कास्ट मैदान के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ये यूगोश्लाविया का कास्ट प्रदेश कास्ट प्रदेश और भारत में चित्रकूट भारत में चित्रकूट मैदान इसके एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं ठीक है अब मैं इसको लिख देता हूं परिभाषा को अगर ऐसे पूछा है तो, तो देखिए कास्ट मैदान चूड़े की चट्टानों वाले क्षेत्र में की चट्टानों वाले क्षेत्र में भूमिगत जल द्वारा भूमिगत जल द्वारा भूमिगत जल द्वारा निरंतर अपरदन निरंतर अपरदन द्वारा भूमिगत जल से निरंतर अपर्दन द्वारा ऐसे लिख देना निरंतर अपर्दन द्वारा निर्मित मैदानों को निर्मित मैदानों को कास्ट मैदान कहते हैं कास्ट मैदान या चूनेदार मैदान जैसे का कास्ट प्रदेश और भारत में चित्रकूट मैदान उदाहरण के तौर पर ये देखे जा सकते हैं ठीक है तो ये हो गया कास्ट मैदान नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सरोवरीय मैदान किसे कहते हैं सरोवरीय मैदान तो देखिए सरोवरीय मैदान दो प्रक्रियाओं से बन सकते हैं जैसे ये मान लो कोई झील है ये क्या है कोई झील है और इस झील में आपको पता ही है कि लगातार नदियों का जल जब इसमें गिरता रहेगा तो अवसादों का निक्षेपण होता रहेगा यहां से ठीक है अवसादों का निक्षेपण तो अवसादों के निक्षेपण से लगातार अवसाद यहां जमा होते रहेंगे तो धीरे धीरे करके पूरा ये जो सरोवर या झील है ये एक तरह से एक परफेक्ट प्लेन में कन्वर्ट हो जाएगा परफेक्ट मैदान एक तो इस तरह से बनता है अवसादों के निक्षेपण से एक जो झील बनती है ठीक है हाँ राधे राधे एक जो झील बनती है वो झील कैसे बनती है कि मान लेते हैं यहां झील है और अंतर जात बलों से पटल विरूपणी संचलन हो अंतरजात बलों से पटल विरूपणी संचलन मतलब भूपृष्ठ का लंबवत या क्षेत्र संचलन तो ये हिस्सा ऊपर की तरफ लिप्त हो जाए यह नीचे से दबाव पड़ा और दबाव के कारण ये भाग अगर ऊपर उठ जाता है ये हिस्सा अगर ऊपर उठ जाता है तो पानी बहकर चला जाएगा और ये पूरा जो है वो क्या बन जाएगा मैदान में कन्वर्ट हो जाएगा तो मैं कहने का मतलब ये है कि सरोवरीय मैदान दो प्रक्रियाओं से बनते हैं ठीक है यहाँ मैं लिखता हूँ सरोवरीय सरोवरीय मैदान तो सरोवरीय मैदान दो प्रक्रियाओं से निर्मित होते हैं दो प्रक्रियाओं द्वारा एक तो किसी झील में किसी झील में किसी झील में नदियों द्वारा नदियों द्वारा निरंतर अवसादों के निक्षेपण से ठीक है जैसे जम्मू कश्मीर में या मणिपुर में इस तरह की झील दिखाई देती है इस तरह से मैदान बने हुए हैं झीलों में लगातार अवसाद जमा हो गए दूसरा अंतर जात अंतर जात बलों से उत्पन्न पटल विरूपणी संचलन द्वारा झील की तली के उत्थान से उत्थान से निर्मित मैदान तो सरोवरीय ध्यान रखना मैदान दो तरह से हो गए ठीक है ना हाँ गुड इवनिंग सभी लोगों को दो तरह से हो गए एक तो मैंने बताया कि झीलों में अवसाद ठीक है एक तो झीलों में लगातार अवसाद निक्षेपित हो गए और वो भर गई अवसादों से तो परफेक्ट प्लेन बन गया या झील की तली अंतर जात बलों से ऊपर उठ जाए अब झील की तली जब ऊपर उठ जाएगी तो पानी बहकर चला जाएगा कहीं ना कहीं तो वो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा मैदान बन जाएगा तो दो तरीके से हो गए तो ये आपका आंसर हो जाएगा सरोवरीय निक्षेपों का नेक्स्ट है पंद्रह शब्दों में ही डेल्टा मैदान डेल्टा मैदान अब डेल्टा मैदान की बात करें तो आप जानते हैं कि कोई भी नदी नदी की गति जो है वो उस नदी की गति जो है वो ढाल पर निर्भर करती है अब मान लेते हैं यहाँ से नदी निकलती है तो ये बहुत तेज गति से प्रवाहित होगी लेकिन जैसे ही मैदानी भागों में प्रवेश करेगी इसकी गति क्या होगी धीमी हो जाएगी लेकिन जब नदी किसी सागर या महासागर या झील में एंट्र करती है तो यहाँ पर इसका वेग बिल्कुल धीमा हो जाता है और नदी का अगर वेग धीमा हो जाता है तो नदी अपने ही अवसाद मुहाने पर जमा कर देती है और यहाँ पर जब अवसाद जमा हो जाएंगे तो नदी जो है वो छोटी छोटी वितरिकाओं में चारों तरफ फैल जाती है नदी का जल जब यहाँ पहुँचता है तो ये छोटी छोटी वितरिकाओं में विभाजित हो जाता है और छोटी छोटी वितरिकाओं में विभाजित होकर चारों तरफ नदी के जल फैलता है और फिर इस तरह से समुद्र में जाकर मिल जाता है तो ये जो एक त्रिभुजाकार आकृति बनती है इस त्रिभुजाकार आकृति को नाम दे देते हैं डेल्टा और डेल्टा शब्द जो है ये हेरोडोटस के द्वारा दिया गया था हेरोडोटस हेरोडोटस द्वारा नील नदी के मुहाने को देखकर नील नदी के मुहाने को देखकर तो इसने देखा कि नील नदी का जो मुहाना है वो त्रिभुजा का आकृति बना रहा है तो इस त्रिभुजा का आकृति को ही गणित में क्या बोलते थे डेल्टा बोलते हैं तो सिंपल से शब्दों में मैं यहां पर लिख देता हूं ये तो मैंने आपको समझाया था यहां पर लिख देता हूं डेल्टा मैदान डेल्टा मैदान या डेल्टिक प्लेन तो देखिए डेल्टा मैदान क्या है देखो नदियां नदियां सागरों एवं झीलों में सागरों एवं झीलों में में गिरती है सागरों एवं झीलों में गिरती है तो इनका वेग बहुत कम हो जाता है वेग बहुत कम हो जाता है इससे नदी के मुहाने पर नदी के मुहाने पर अवसादों के निक्षेपण से अवसादों के निक्षेपण से छोटी 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 वितरिकाओं द्वारा त्रिभुजाकार त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण होता है त्रिभुजाकार आकृति का, का निर्माण होता है इसे डेल्टा मैदान कहते हैं डेल्टा मैदान कहते हैं जैसे सुंदरबन डेल्टा लगभग पचास हजार किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्र है सुंदरबन डेल्टा का ठीक है हाँ गुड इवनिंग सभी लोगों को तो ये आपका आंसर हो जाएगा किसको लेकर डेल्टा मैदान को लेकर अगला क्वेश्चन देखिए वायु निर्मित मैदान वायु निर्मित या वायोड बोलते हैं इसको ये भी पंद्रह शब्दों में आपसे पूछा गया है तो देखिए वायु निर्मित मैदान आप जानते ही हैं कि वायु के द्वारा मृदा के छोटे छोटे कण जो है वो उठाकर लाए जाते हैं उड़ाकर लाए जाते हैं और दूसरी जगह पर कहीं नहीं जमा हो जाता है इसी से क्या बनता है इस तरह से निर्माण होता है वायु मैदान दो तरीके से होता है देखिए वायु निर्मित मैदान जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं एक होता है रेतीला रेतीला या रेगिस्तानी रेगिस्तानी मैदान और दूसरा होता है लॉयस मैदान लॉयस मैदान ठीक है एक होता है रेतीला मैदान और दूसरा लॉयस मैदान रेतीला मैदान की अगर बात करें तो ध्यान रखना मरुस्थलीय क्षेत्रों में मरुस्थलीय क्षेत्रों में यांत्रिक यांत्रिक अपर्दन से प्राप्त धूल कण पवनों द्वारा पवनों द्वारा निक्षेपित किए जाते हैं निक्षेपित किए जाते हैं ठीक है तो गर्म मरुस्थली क्षेत्रों में चट्टाने लगातार टूटती रहती हैं और उससे जो कण निकलते हैं वो वायु पवन के साथ उड़कर एक जगह से उड़ते हैं दूसरी जगह जमा होते रहते हैं तो उससे बन जाता है रेतीला मैदान जैसे सहारा मरुस्थल सहारा मरुस्थल लेकिन लॉयस के मैदान की बात करें तो लॉयस के मैदान में क्या होता है कि पवन द्वारा पवन द्वारा अत्यंत बारीक कण बारीक कणों का निक्षेपण अधिक दूरी पर किया जाता है अधिक दूरी पर ठीक है जैसे लॉयस का मैदान लॉयस मैदान चीन चीन के सांसी प्रांत में यह लॉयस का मैदान यहां पर बना हुआ है ठीक है ना देखो इसको ऐसे समझो डायग्राम से नेक्स्ट पे, अब जैसे मरुस्थली क्षेत्रों की हम बात करें मरुस्थली क्षेत्रों में इस तरह से चट्टानी संरचना है ठीक है ना तो जब तेज पवने चलती हैं तो ये यहाँ से इस कणों को तोड़ती है और ये कण यहाँ से उड़कर आते हैं और कहीं दूसरी जगह पर लगातार निक्षेपित हो जाते हैं इस तरह से होता है ये मरुस्थली क्षेत्र में तो ये तो जैसे मान लेते हैं सहारा मरुस्थल लेकिन लॉयस के मैदान जो विशेषतर मैदान दिखाई देते हैं लॉयस के मैदान क्या है कि देखो अगर हम चीन की बात करें तो चीन में चीन के उत्तरी भाग में यहां पर गोभी मरुस्थल है कौन सा मरुस्थल है गोभी, गोभी मरुस्थल अब गोभी मरुस्थल के ठीक नीचे यहां पर एक नदी प्रवाहित होती है और इस नदी का नाम है हो नदी हो नदी और वांगो नदी को आपको पता ही है पीली नदी कहा जाता है अब इधर से जब पवने चलती हैं गोभी के मरुस्थल से जब पवने चलेगी और इस इधर से ये आपको पता ही है कि जब धूल भरी आंधियाँ चलती हैं तो भारी मात्रा में रेत के कणों को उड़ा लेकर ले आती हैं और जब ये रेत के कण उड़कर आते हैं तो इसमें से कुछ कण जो हैं इस नदी के अंदर ही गिर जाते हैं और आपको पता है कि मरुस्थली रेत जो होता है वो लाल पीले रंग का होता है तो इस नदी में जब ये लाल पीले कण जमा हो जाते हैं तो उस नदी के पानी का रंग पीला हो जाता है इसीलिए आपने देखा होगा वांगो नदी को पीली नदी भी कहा जाता है पीली नदी ठीक है तो भारी कण जो रेत के होते हैं वो तो नदी में गिर जाते हैं तो नदी का रंग पीला हो गया और इसलिए ये सबसे ज्यादा अवसाद ढोने वाली नदी भी कहलाती है और इसी वजह से इससे चीन में बाढ़ आती है तो इसको चीन का शोक भी बोलते हैं लेकिन जो हल्के कण होते हैं वो यहाँ से नमी लेने के बाद वायु भारी हो जाती है और भारी होने के कारण वो जो हल्के कण हैं वो इधर की तरफ जमा हो जाते हैं तो यहां पर उपजाऊ मैदान जमा हुआ है उपजाऊ मैदान का निर्माण होता है तो इसको हम बोलते हैं लॉयस मैदान लॉयस मैदान ये चीन के सासी प्रांत में पड़ता है चीन के सासी प्रांत में इस प्रकार से यह लॉयस के मैदान का निर्माण हुआ है तो उम्मीद करता हूं समय में गया को यह शुष्क क्षेत्र है और यह थोड़ा सा नमी वाला क्षेत्र है मैंने उदाहरण के तौर पर आपको बताई दिया जैसे ऐसे समझो ये मरुस्थली क्षेत्र है ये नदी आ गई और इस तरह से है ये मान लेते हैं वांगो नदी है अब इस मरुस्थली क्षेत्र से पवनों के द्वारा धूल के कण जो रेत के कण उड़कर आएंगे तो उसमें से कुछ रेत के कण जो उड़कर आएंगे वो तो जमा हो जाएंगे नदी में गिर जाएंगे तो नदी का रंग पीला हो गया पीली नदी बन गई और कुछ रेत के कण जो ज्यादा हल्के थे वो और दूर तक चले जाएंगे वो इधर जमा हो जाएंगे इससे यहां पर लोहेस का मैदान बन गया है इस तरह से लोहेस का मैदान है लोहेस का पठार भी इस तरह से बना हुआ है तो इस तरह से ये बना है उम्मीद करता हूं इस तरह से समझ में आ गया होगा तो ये था लोहेस का मैदान अब निर्माण प्रक्रिया के आधार पर क्वेश्चन है आपका पचास शब्दों में निर्माण प्रक्रिया के आधार पर मैदान का वर्गीकरण कीजिए तो निर्माण प्रक्रिया के आधार पर मैदान जो है वो इस प्रकार से विभाजित है पहला संरचनात्मक मैदान संरचनात्मक मैदान दूसरा अपर्दनात्मक मैदान अपर्दनात्मक मैदान और तीसरा निक्षेपणात्मक मैदान एक जगह से अपर्दन होगा तो दूसरी जगह निक्षेपण होगा तो निक्षेपणात्मक मैदान ठीक है अब देखो मैं यहां पर संरचनात्मक मैदान को मैं यहीं लिख देता हूं संरचनात्मक मैदान की अगर हम बात करें तो संरचनात्मक मैदान जो है ये ध्यान रखना अंतरजात बलों से बनता है अंतर जात बलों से अगर भूपृष्ठ का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है तो वो मैदान बन गया और कुछ भाग नीचे धस जाता है तो वो मैदान बन जाता है ठीक है तो यहां मैं लिखता हूं अंतर जात अंतर जात बलों द्वारा भूपृष्ठ के उत्थान एवं अवतलन से निर्मित ठीक है अब देखो भूपृष्ठ के उत्थान से जो मैदान बने हैं इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तटीय मैदान उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तटीय मैदान मेक्सिको के तट के समानांतर जो पूरा तट है यह अंतर से ऊपर उठ गया अवसादों का निक्षेपण हो गया तो मैदान में कन्वर्ट हो गया पूर्वी तटीय मैदान या विशाल पूर्वी तटीय मैदान है भूप्रष्ट के अवतलन से जो मैदान बने हैं यह है ऑस्ट्रेलिया का मध्यवर्ती मैदानी भाग ऑस्ट्रेलिया का मध्यवर्ती मैदान तो ये संरचनात्मक मैदान है जो अंतर जात बलों से भूपृष्ठ के धसने से या ऊपर उठने से बने हैं ऊपर उठने से जो बना है उत्थान से जो बना है वो उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट है और धसने से या नीचे अवतलन से सबडक्शन से जो बना है वो ऑस्ट्रेलिया का मध्यवर्ती मैदान है तो ये तो हो गया संरचनात्मक मैदान अब हम बात करें अपर्दनात्मक और निक्षेपणात्मक मैदान तो देखिए पचास शब्दों में है तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना है पहले मैं बात करूं अपर्दनात्मक अपर्दनात्मक मैदान तो अपर्दनात्मक मैदानों में एक तो आप लिख सकते हैं नदी द्वारा या जल द्वारा जल द्वारा अपर्दित मैदान अपर्दित मैदान जिसको हम पेनी प्लेन भी बोलते हैं जो मैंने एक्सप्लेन किया है पहले ही क्वेश्चन में दूसरा हिमानी हिमानी द्वारा अपर्दित मैदान हिमानियों के द्वारा भी मैं अपर्दित मैदान बनते हैं जैसे उत्तरी अमेरिका में आपका उत्तर उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पश्चिम भाग में साइवेरिया के मैदान ये हिमानियों के अपर्दन से बने हैं तीसरा आप लिख सकते हैं आ, पवन द्वारा अपर्दन से मैदान पवन द्वारा अपर्दन से निर्मित मैदान और चौथा आप लिख सकते हैं इसको हम बोलते हैं भूगर्भिक जल भूगर्भिक जल द्वारा अपर्दन से निर्मित मैदान इसी को कास्ट मैदान बोलते हैं इसी को क्या बोलते हैं कास्ट मैदान कहा जाता है ठीक है तो ये तो अपर्दनात्मक मैदान हो गए जल द्वारा हिमानियों द्वारा पवन द्वारा या भूगर्भिक जल के द्वारा इसी तरह से नेक्स्ट आप लिख सकते हैं निक्षेपणात्मक मैदान निक्षेपणात्मक मैदान तो जब एक जगह से अपर्दन होगा तो दूसरी जगह निक्षेपण होगा तो निक्षेपणात्मक मैदान में आप लिख सकते हैं जैसे सेम जो है इसको हम बोलेंगे जल या जलोड़ मैदान जलोड़ मैदान जल के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से दूसरा यहां पर लिख सकते हैं हिमोड़ मैदान हिमानियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हिमोड़ मैदान और तीसरा लिख सकते हैं वायोड मैदान वायु के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से वायुड़ मैदान इस तरह से ठीक है ना या इसी में आप सरोवरी निक्षेप भी लिख सकते हैं सरोवरी मैदान भी इसमें लिख सकते हैं देखो लिख देंगे आगे तो देखो जलोड़ मैदान जल के द्वारा जो अवसादों का निक्षेपण होता है उससे जो मैदान बनते हैं एक तो मैदान बनते हैं इसको हम बोलते हैं गिरपदीय मैदान फुट हिल्स प्लेन कहा जाता है इनको गिरपदीय मैदान ठीक है जल के द्वारा लाए गए अवसादों से एक तो बनते हैं बाढ़ का मैदान फ्लड प्लेन्स कहा जाता है जिसको आपने खादर और बांगर के रूप में सुना होगा और तीसरा कहलाता है डेल्टा मैदान डेल्टा मैदान जिसको मैं एक्सप्लेन पहले ही कर चुका हूं ठीक है ना तो ये तो आपका हो गया कौन सा निक्षे, जल के द्वारा निक्षेपण से इसी तरह से हिमोड़ की बात करें तो हिमानिया जब एक बार अपर्दन करती हैं तो उसके बाद दूसरी जगह निक्षेपण भी करती हैं तो इसके निक्षेपण से जो मैदान बनते हैं उसको बोलते हैं टिल मैदान टिल मैदान ठीक है एक कहलाता है मोरेन मोरेन या हिमोड मैदान एक कहलाता है इसको बोलते हैं आउटवॉश आउटवॉश मैदान या हिमनद निक्षेपित मैदान कहलाता है तो इस प्रकार से ये हिमानियों के द्वारा और वायु के द्वारा जो निक्षेपण से जो मैदानी बनते हैं जिसकी मैं अभी बात करी चुका हूं पहले आपसे एक कहलाता है इसको हम बोलते हैं रेतीला मैदान रेतीला मैदान जो मरुस्थली क्षेत्रों में बनता है शुष्क क्षेत्रों में और दूसरा मैंने आपको बताया था इसको बोलते हैं लॉयस मैदान लॉयस मैदान तो इनकी हम पहले भी बात एक्सप्लेन कर ही चुके हैं ठीक है तो इस तरह से ये आपका दिखाई देता है तो ये सारे के सारे आप लिख सकते हैं पचास शब्दों में आपका आराम से कंप्लीट हो जाएगा ठीक है गुड इवनिंग चलिए आगे देखिए नेक्स्ट अगला है पचास शब्दों में निक्षेपण मैदान का वर्णन कीजिए तो जी मैं भी बताया था आपको उसी का पार्ट है देखिए निक्षेपणात्मक मैदानों को आप इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं और फिर इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे मैंने बताया अभी जलोड़ मैदान क्योंकि क्वेश्चन लगभग आधा रिपीट है तो उसी तरह से आप लिख सकते हैं जलोड़ मैदान लेकिन इसमें केवल निक्षेपण से पूछा है दूसरा हिमोड मैदान हिमोड मैदान तीसरा सरोवरीय मैदान सरोवरीय मैदान और यहां लिख दो वायोड़ मैदान, वायुड़ मैदान ठीक है अब इसी में यहां पर आप जलोड़ मैदान मैंने आपको बताया जल के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से तो पर्वतीय क्षेत्र के ठीक बगल में जो मैदान बन जाता है जिसको आपने भावर कहा होगा भावर वाला क्षेत्र जो होता है उसको हम यहां पर बोलते हैं इसको बोलते हैं गिरिपद मैदान गिरिपद मैदान फुटहिल्स जब नदी बिल्कुल मैदानी भाग में प्रवेश करती है और चारों तरफ फैल जाती है तो कुछ नवीन जलोड़ और कुछ प्राचीन जलोड़ बनते हैं उसको हम बोलते हैं बाढ़ का मैदान बाढ़ का मैदान जहां नदी के द्वारा हर साल नए नए अवसादों का निक्षेपण होता है उसी को उसको हम बोलते हैं खादर और नदी के द्वारा पहले कभी बाढ़ के जमा होने से अवसाद बाढ़ के आने से अवसाद जमा हो गए थे लगातार खेती करने से पुराने हो जाते हैं मिट्टी पुरानी हो जाती है कम उपजा हो जाती है उसको बांगर बोलते हैं खादर और बांगर और गिरिपद मैदान में आप लिख सकते हैं भावर ठीक है हाँ, भावर का मतलब है कि पर्वत पदी क्षेत्र में कंकड़ पत्थरों से युक्त एक पेटी पाई जाती है जिसमें नदी सरताएं जो है वो गुम्फित हो जाती है नदी सरताएं विलुप्त हो जाती है फिर उसके बाद नदियां जब बाहर निकलती हैं तो वो तराई का मैदान कहलाता है तो भाबर और तराई क्षेत्र आपका किस में आ जाएगा गिरपद मैदान में, में खादर और बांगर आ जाएगा उसके बाद नदी अपनी अंतिम अवस्था में या वृद्धा अवस्था में समुद्र में या सागर में या झील में गिरने से पहले एक त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण करती है इसको हम डेल्टा मैदान बोलते हैं डेल्टा मैदान ठीक है इसी तरह से हिमोड मैदान को एक्सप्लेन कर सकते हैं हिमानियों के द्वारा निरंतर जब मैदानी भागों में जब हिमानियों के द्वारा निक्षेपण किया जाता है तो इससे तिल मैदान का निर्माण होता है तिल मैदान तिल मैदान क्योंकि तो लगातार हिमानी जब ऊपर से नीचे आएगी तो भारी मात्रा में कंकड़ पत्थर रेत बजरी सब लेकर आएगी तो जो हिमानी बिल्कुल अपने गिरपदी क्षेत्र में कंकड़ पत्थरों को जमा कर देती है उसको तिल मैदान बोलते हैं और आगे की तरफ चले जाते हैं वहां हिमानियों के द्वारा जो अवसादों का निक्षेप निक्षेपण होता है उसको बोला जाता है हिमोड़ मैदान हिमोड मैदान ठीक है और नदी के द्वारा बिल्कुल जब छोटे महीन बारीक कणों के, के द्वारा जो अवसादों का जमा होता है उसको बोलते हैं आउट वॉश आउटवॉश मैदान ठीक है सरोवरी निक्षेप मैंने आपको बताई दिया झीलों में नदियों द्वारा अवसादों के निक्षेपण से और वायुड़ मैदान फिर से दो तरीके के हैं एक है रेतीला या मरुस्थली मैदान रेतीला या मरुस्थलीय मैदान और दूसरा है लोयस मैदान लॉयस मैदान तो इस प्रकार से आप इस आंसर को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट देखो अगला है आपका हंड्रेड वर्ड में देखो मैं की पॉइंट पर बता दूंगा आपको खुद एक्सप्लेन इसमें कर लेना है हंड्रेड वर्ड्स में यहां पर लिखा है मैदान के महत्व का संक्षिप्त विवरण दीजिए या इससे एक और तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैदानों को एक और क्वेश्चन ध्यान रखना पूछा जाता है मैदानों को सभ्यताओं का पालना मैदानों को सभ्यताओं का पालना कहते हैं पालना कहते हैं इस इस कथन की पुष्टि कीजिए तो ऐसे भी इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है अब देखो मैदानों के महत्व की बात करूं तो मैं नेक्स्ट पेज पे आपको महत्व लिख देता हूं मैदानों का महत्व सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेन मैदानों का महत्व तो देखो मैदानों के महत्व में पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं उपजाऊ उपजाऊ मृदा ठीक है तो मैदान जो होते हैं वो उपजाऊ मृदा से संपन्न होते हैं और उपजाऊ मृदा अगर होगी उपजाऊ मृदा मैं शॉर्ट में लिख देता हूं उपजाऊ मृदा अगर होगी तो जाहिर सी बात है कृषि उत्पादन कृषि उत्पादन और कृषि उत्पाद अगर होगा तो इसी वजह से मैदानों को मैदानों को संसार का अन्न का भंडार कहते हैं संसार का अन्न का भंडार तो संसार का अन्न का भंडार कहलाता है ये ठीक है जैसे आप देखो इटली में लोमबाड़ी मैदान है प्रेरीज घास के मैदान है या स्टेपीज घास के मैदान है भारत में गंगा यमुना का मैदान है चीन में वांगो मैदान है ये सब उपजाऊ मैदान है और उपजाऊ मैदान होंगे तो कृषि उत्पादन बढ़ेगा और कृषि उत्पादन बढ़ेगा इसी वजह से इसको बोलते हैं संसार का अन्न का भंडार ठीक है दूसरा यहां पर लिख सकते हैं उद्योगों का विकास उद्योगों का विकास समतल मैदान अगर होगा तो यहां पर कृषि आधारित उद्योग विकसित होंगे और कृषि आधारित उद्योग विकसित होंगे उत्पादन बढ़ेगा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी प्रतिवक्ति आय में वृद्धि होगी और मैदानी भागों में जो उद्योग हैं उसके लिए क्या मिलेगी सस्ते मजदूर भी उपलब्ध हो जाएंगे तो यहां पर आप लिख सकते हैं मैदानों में मैदानों में कृषि आधारित कृषि आधारित उद्योगों का विकास होता है कृषि आधारित उद्योगों का विकास अब कृषि आधारित उद्योगों का विकास होगा तो राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि राष्ट्रीय आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी लोगों की आय भी बढ़ेगी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि ठीक है और मैदानों में अधिक जनसंख्या होती है तो सस्ते मजदूर अधिक जनसंख्या और अधिक जनसंख्या होगी तो सस्ते मजदूरों की उपलब्धता होगी सस्ते मजदूर उपलब्ध हो जाएंगे तो इस तरह से आप लिख सकते हैं ठीक है चलिए तो ये आपका उपजाऊ मृदा होगी दूसरा उद्योगों का विकास तीसरा अभी आप पॉइंट लिख सकते हैं तीसरा पॉइंट जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट भी है आप लिख सकते हैं सभ्यताओं का पालना सभ्यताओं का पालना आप जानते ही हैं कि मैदानों में प्राचीन काल से ही विभिन्न सभ्यताओं का विकास हुआ है प्राचीन काल से नदी घाटियों के समीप नदी घाटियों के समीप अनेकों सभ्यताओं का विकास हुआ है अनेकों सभ्यताओं का विकास हुआ है विकास हुआ है जैसे उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं दजला फरात दजला फरात नदियों का जो मैदानी भाग है यहां पर मैसोपोटामिया सभ्यता मैसोपोटामिया सभ्यता नील नदी नील नदी घाटी के मैदानी भाग में मिस्र की सभ्यता मिस्र की सभ्यता ठीक है वांगो नदी घाटी वांगो नदी घाटी चीनी सभ्यता चाइनीज सिविलाइजेशन चीनी सभ्यता और सिंधु नदी घाटी सिंधु नदी घाटी मैं सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता तो ये सभ्यताएं विकसित है हुई हैं कोई एक दो एग्जाम्पल लिख दें समय के देखते हुए और शब्दों को देखते हुए मैंने लिख दिए जितना जितने आप याद रख सकते हैं तो सभ्यताओं का पालना कहा जाता है मैदानों को इसके अलावा आप लिख सकते हैं नगरों की सभ्यता या एक और मैं लिखता हूं पहले यातायात का विकास नेक्स्ट पेज ले लिखते हैं अरे पेज कंप्लीट हो गया इसे यही लिख देता हूं नेक्स्ट लिख लेना आप यातायात यातायात का विकास अब मैदानी भाग होगा तो आप जानते ही हैं कि मैदानी भागों में बहुत आसानी से सड़क रेल ठीक है सड़क रेल मार्ग बिछाया जा सकता है ठीक है इसके अलावा हवाई अड्डे हवाई अड्डे ये आसानी से विकसित हो सकते हैं मैदानी भागे तो कम खर्चे में विकसित हो सकते हैं और इसमें एक चीज और ऐड कर देना नगरों का विकास नगरों का विकास तो मैदानी भागों में बहुत सारे नगर या विकसित नगर हैं जैसे भारत में अगर बात करें तो कानपुर है गंगा नदी के किनारे बस गया और पूरा बहुत बड़ा नगर बन गया औद्योगिक नगर बन गया पेरिस है ठीक है ना तो इस तरह के कई सारे ऐसे नगर हैं जो मैदानों में आपके विकसित हुए हैं तो इस तरह से आप पूरे आंसर को फ्रेम कर सकते हैं मैं वापस बता दूं, यहां से देखिए हमने शुरुआत की थी यहां से हमने शुरुआत की थी ये आपका पेनी प्लेन और पेनी प्लेन में मैंने आपको बताया था पेनी प्लेन में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से नदी द्वारा अपने अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था में अंतिम अवस्था में उच्च स्थल भाग को काटकर मैदान का निर्माण किया जाता है तो उसको पेनी प्लेन या संप्राय मैदान बोलते हैं दूसरा हमने बात की थी कास्ट मैदान भूगर्भिक जल के द्वारा चूनेदार चट्टाने अगर होती हैं तो उसमें अपर्दन से या घिस घिस कर चट्टान मैदान बन जाती है कास्ट मैदान भी बोलते हैं इसको दूसरा है सरोवरी मैदान सरोवरी मैदान दो तरीके से बनते हैं एक तो मैंने बताया कि झीलों में लगातार अवसाद निक्षेपित होते रहें झीलों में लगातार अवसादों का निक्षेपण होता रहता है तो झील जो है वो परफेक्ट प्लेन में क्रमट हो जाती है दूसरा क्या है कि अंतर्जात बलों के कारण पटल विरूपणी संचलन होने लगता है भूप्रष्ट का हिस्सा ऊपर उठ जाए तो झील जो है वो फिर झील का पानी बाहर बह जाता है तली ऊपर आ जाती है तो मैदान बन जाती है दो प्रक्रियाओं से बनती है लिखा है मैंने उसके बाद डेल्टा का मैदान तो नदी अपनी वृद्धावस्था में जब छोटे छोटे अवसादों को मुहाने पर जमा कर देती तो इससे त्रिभुजा कर आकृति बनती है इसको डेल्टा बोलते हैं ठीक है फिर वायु द्वारा निर्मित तो वायु के द्वारा अवसादों का निक्षेपण होता है इससे अलग अलग मैंने बताया दो तरीके से बनता है एक तो मरुस्थली क्षेत्रों में और एक लॉयस के मैदान बनते हैं ठीक है फिर हमने बात की थी निर्माण की प्रक्रिया मैदानों का वर्गीकरण पचास शब्दों में तीन तरह से विभाजित किया था संरचनात्मक मैदान अपर्दनात्मक मैदान और निक्षेपणात्मक मैदान और ये मैंने यहाँ पर आपको बताई दिया था ये निक्षेपणात्मक मैदान है और फिर हमने यहाँ पर बात की थी महत्व की तो मैदानों के महत्व को फिर यहाँ पर मैंने इस तरह से बताया था तो आज के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का जुड़ने के लिए नेक्स्ट क्लास में फिर हम बात करेंगे कल इसी समय पर मैं आपसे मिलूंगा और नए क्वेश्चंस लेकर आऊँगा जो आपके मुख्य परीक्षा के लिए बहुत लाभदायक होने वाले हैं बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का जुड़ने के लिए थैंक यू नमस्कार